ज्यादातर फॉरनर ही आता है सभी कंट्री का, चाहे वो कहीं का भी हो, और नेपाल ना घूमो तो कुछ ना। सादरे ब्लॉगर, तो आगे चलते हैं टिकट के लिए और टिकट देखते हैं कि टिकट का कितना प्राइस है और कितने टाइम में मुझे केबल कार मिलेगा और इनकी टाइमिंग क्या है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं और दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है चंद्रगिरी हिल ज़रूर पहुँचता है, और पहुँचने के बाद यहाँ पे लाइफ की इंजॉय कुछ और है, क्योंकि अगर यहाँ आओ और आने के बाद अगर ये एक्टिविटी ना करो तो ऐसा लगता है कि घूमना बिल्कुल ही अधूरा रह गया। तो ये यहाँ पे केबल कार का टिकट है और यहाँ से टिकट लिया जाएगा और ये टिकट काउंटर है, उसके बाद ये सामने एंट्री गेट है, यहाँ से भी एंट्री होगा और ये दूसरे साइड जो स्कूल के बच्चे आए हैं उनका अलग लाइन है, वो लोग उस दूसरे साइड से एंट्री करेंगे। और सामने हिमालय पर्वत पहाड़ दिख रहा है और ये यहाँ पे एक ड्रॉपिंग पैलेस गोल चक्कर है और सामने सेल्फी पैलेस है, ये आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी बंदे यहाँ पे आए हैं चाइना से वो लोग भी अपना सेल्फी ले रहे हैं। तो ये इस तरह से यहाँ की बात ही कुछ और है। वहाँ टिकट काउंटर पे, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग सर, गिव मी वन टिकट। वेयर आर यू फ्रॉम? इंडिया। 1280। तो फाइनली मैं टिकट परचेज कर लिया हूँ। 1280 का टिकट है, जो टिकट की प्राइस है सबके लिए अलग अलग। जो नेपाल की नागरिक है उसका टिकट का कुछ और प्राइस है, फॉरनर का कुछ और है, इंडियन का कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे तीन पार्ट में इस टिकट को डिवाइड कर रखे हैं और सभी के लिए जो रेट है थोड़ा डिफरेंस टाइप में है। थैंक यू, थैंक यू। यस यस। ओ यो, आई एम इंडिया। आपका चैनल? ओ, इंडिया। क्या नाम है? सादरे ब्लॉगर। भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। भाई का चैनल मेरे भाई, मेरे भाई। बहुत अच्छा है ये हिमालय पर्वत इधर केबल कार, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बंदे आ रहे हैं ज्यादा टूरिस्ट ही है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है कम से कम देख करके। और ये पीछे राउंड अबाउट और सेल्फी पैलेस भी मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ। अब अंदर एंट्री करते हैं और एंट्री करके फिर देखते हैं। नाम क्या है? ये एंट्रेंस गेट है, यहाँ से हमें एंट्री करना है। अब आगे की ओर चलते हैं। प्रवेश द्वार, एंट्रेंस गेट है ये, और यहाँ से हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। और एंट्री करते ही आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट लोग का दूसरा लाइन था, वहाँ से एंट्री करके आए और ये सामने टिकट चेकिंग है, तो मुझे भी इसी लाइन में लगना होगा। तो यहाँ से एंट्री करते हैं और ये नेपाल पुलिस है। थैंक यू सो मच। तो अंदर एंट्री कर गया हूँ और एंट्री करने के बाद ये लाइन अंदर की ओर लगा हुआ है। एक केबल कार के अंदर कितने लोग बैठते हैं इसका पता नहीं है, अंदर एंट्री करने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि यहाँ पे ब्लॉगर की बात करें तो हिंदी में इंडियन एक मैं दिखाऊं, उसके बाद अगर मिला भी है तो चाइना से मिला है या फॉरनर है, तो ये इस तरह से। अभी अंदर चलते हैं, क्या पता अपना इंडिया के भी कोई ना कोई ब्लॉगर मिल जाए तो अच्छी बात है, कम से कम सब एक साथ हो जाएंगे। तो फिलहाल हम इस लाइन में लगे हैं अंदर एंट्री करने के लिए और इस केबल कार में बैठने के लिए। तो ये केबल कार है, ये घूम करके आती है, यहाँ पे सवारी बैठा के फिर आगे निकल जाता है। हालांकि आप देख सकते हैं जो रेड कलर का वो एक मोटर चल रहा है, ये मोटर के ऊपर है पूरा का पूरा जो वायर है वो वायर चलता है यहाँ पे, हालांकि ये केबल कार नहीं, वायर के साथ ये एक केबल कार फिक्स होता है। लाइन धीरे धीरे, लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, ये आप लोग पीछे देख सकते हैं कि पीछे ब्लॉगर लोग भी हैं और दूर तक लाइन ही अंदर एंट्री करने का। और ये जो लाइन है ये फॉरनर का लाइन है, इंडियन और जो नेपाली है दोनों का एक लाइन है और फॉरनर का अलग लाइन है। तो केबल कार में हम लोग इस पर बैठ चुके हैं, तीन साइड है, चार फ्रंट साइड है, तो अब ऊपर की ओर चल रहे हैं। अब देखते हैं कि कितनी ऊँचाई जाता है और कितना टाइम लगता है और कितने टाइम का ये राउंड है। हालांकि नीचे कुछ ज्यादा आवाज आ रहा था, अभी थोड़ा आवाज साउंड हो गया, साइलेंट हो गया, इस वक्त ज्यादा आवाज भी नहीं है और धीरे धीरे ऊपर की ओर चल रहे हैं। अब आ जाओ घूमे, ये नीचे का एरिया है, अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं।
फाइनली मैं ऊपर की ओर इस वक्त पहुंच चुका हूं। और ये जो केबल कार है रुकता नहीं है, स्लो होता है, इन्हीं स्लो में हमें उतरना होता है। फिलहाल तो मैं उतर चुका हूं और उतरने के बाद यहां पे शायद कुछ ना कुछ है ज़रूर। बाहर निकलते हैं, देखते हैं पार्क है या क्या है। यह सेल्फी पैलेस है, तो यह नेपाल पुलिस भी है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सेल्फी के लिए या फोटोग्राफी के लिए कुछ भी मना नहीं है, क्योंकि हालांकि ये है ही है टूरिस्ट पैलेस, जितने भी टूरिस्ट आते हैं और जाहिर सी बात है कि वो वीडियो शूट करेगा ही करेगा। तो इस तरह से यहाँ भी एक सेल्फी पैलेस बना हुआ है, ये दिल टाइप में बना है, आई लव चंद्रगिरी हिल्स लिखे हुए इनके ऊपर, और सभी लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। तो ये नीचे का एरिया है जहाँ पर मैं केबल कार से उतरा हूँ। अब मैं पैदल चल के ऊपर जा रहा हूँ, हालांकि ये भी एक रोड टाइप में बना है, जीना नहीं है, और थोड़ी खड़ी चढ़ाई है ऊपर की ओर। ऊपर चल के पैदल आया हूँ, ये सामने बोर्ड दिख रहा है, बलेश्वर टेंपल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, व्यू टावर रेस्टोरेंट है, ये पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट है। और रास्ता सामने दूसरे साइड से है और नीचे का व्यू आप लोग देख सकते हैं कि क्या है इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा नीचे है। तो अब ऊपर की ओर चलते हैं, ये नीचे का रास्ता है, ये ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ से का पूरा मैप दिया गया है चंद्रगिरी हिल्स का, कि यहाँ क्या क्या एक्टिविटी है, क्या क्या है, और किस तरह से नीचे से ऊपर चढ़ के आएँ, ये पूरा का पूरा केबल वायर। तो इस वक्त मैं ऊपर चल रहा हूँ, मुझे लगता है कि ऊपर कोई मंदिर है, क्योंकि ऊपर घंटी बजने की आवाज़ आ रहा है। गाड़ियाँ खैर ऊपर भी है, जो ये ऊपर गाड़ी है ये ऊपर का ही है, हालांकि ये गाड़ी नीचे से सवारी को लेके नहीं है। तो चंद्रगिरी हिल के ऊपर ये मंदिर है, तो अब चलते हैं थोड़ा मंदिर की ओर। इस पैलेस पे आकर के कुछ अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि सामने आप लोग देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत देखने के लिए सामने एक दूरबीन भी लगाया गया ऊपर की ओर। बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटी भी है, झूले हैं, जैसे एक छोटा सा पार्क बनाया गया है, और बहुत अच्छा है, वाकई में बहुत ही सुंदर जगह है ये। तो व्यू टावर के लिए सामने यहाँ से एंट्री है, ये जो आप सामने दूरबीन देख रहे हैं, दूरबीन से सामने जो माउंट है वो बिल्कुल ही क्लियर दिखता है, हिमालय सागर। और इसके लिए, इस दूरबीन से देखने के लिए नेपाली 50 रुपये का टिकट परचेज करना होगा पहले, जो इनका टिकट काउंटर है, या सामने लिखा हुआ टिकट काउंटर, ये दूसरे साइड से टिकट काउंटर है। मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है 50 रुपये यहाँ पे वेस्ट करके ये टिकट परचेज करके। तो यहाँ से चलते हैं अब दूसरे साइड, और बहुत से ऐसे आदमी जिसे शौक है वो टिकट को परचेज कर सकता है और देख सकता है। आप लोग सामने देख सकते हैं कि मौसम यहाँ पे कितना साफ है, बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ऊँचाई पर, हो सकता है उसके वजह से, क्योंकि कोई बादल नहीं दिख रहा कहीं, ना कोई फॉग है, ना कोई धुंध है, ना ही कोई बादल है यहाँ पर। चंद्रगिरी हिल के ऊपर सामने एक एटीएम भी है, ग्लोबल का है, कोई बैंक है यहाँ का, नेपाल का। और सामने ये पूजा के लिए यहाँ पे पार्सल भी ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे पहुँचे हुए अराउंड 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, और जिस केबल कार से मैं आया हूँ, यहाँ पे ऐसा रूल नहीं है कि आपको उसी से जाना है। जब आपका एक बार ड्रॉप हो जाता है, उसके बाद आपकी मर्जी होती है कि आपको कितने टाइम यहाँ पे रुकना है। हालांकि शाम के 6 बजे तक यहाँ पे रुकने देते हैं, और 6 बजे के बाद फिर क्लोज हो जाता है, तो 6 बजे से पहले पहले हमें निकलना है। वो अपनी खुद की मर्जी होती है कि कितना टाइम यहाँ पे रुकना है या नहीं रुकना है। हालांकि हम लोग ब्लॉगर टाइप में हैं, तो ज़्यादा टाइम यहाँ हम रुक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी हो सकता है इसे एक्सप्लोर करके किसी दूसरे टूरिस्ट पैलेस पे फिर हम विजिट करेंगे। तो फिलहाल तो हम चलते हैं यहाँ पे कुछ नाश्ता के लिए, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट दिख रहा है, और इतनी दूर चढ़ के आए, अगर नाश्ता नहीं किया और यहाँ का कुछ टेस्ट नहीं किया तो बेकार। चलते हैं हम रेस्टोरेंट। मैं फ्रेंच फ्राई लेकर के आया हूँ, तो ये इसमें ये आलू भर कर के दे दिए और ये चटनी दे दिया। खैर इस वक्त भूख तो नहीं है, खाना खा के आया था एक टाइम पास के लिए, और इसे खाते हैं और 15-20 मिनट या आधे घंटे यहाँ पे बैठ करके थोड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि जितना भी काम पेंडिंग है सबको क्लियर करते हैं। सब तो नहीं हो पाएगा, थोड़े बहुत काम को यहाँ क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर आगे की ओर चलेंगे। चंद्रगिरी हिल तो पहुँच गया, इसके ऊपर टेम्पल था, यहाँ जितनी भी एक्टिविटी है सब कुछ देख लिया, बहुत अच्छा लगा। और ये जो केबल कार है इतनी ऊँचाई पर है, 1025 फुट की, और
इस केबल कार में जब हम बैठते हैं ना तो फ्लाइट वाला फीलिंग आता है, जिस हिसाब से फ्लाइट उड़ान भरता है और जिस हिसाब से वो लैंड करता है, सेम इसी तरह से। और अगर हम बादल की बात करें तो फ्लाइट में चढ़ने के बाद बादल हमें नीचे दिखता है, सेम उसी तरह से कि मैं इतनी ऊंचाई पे हूँ कि बादल भी नीचे दिख रहा है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि बादल नीचे है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचा। अब मैं चलता हूँ नीचे केबल कार के लिए और देखता हूँ कि केबल कार कितने टाइम में मिलता है और कितना टाइम तक हमें नीचे वेट करना होगा, और उसके बाद जो भी होगा जैसा भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ पे बहुत से ऐसे टूरिस्ट हैं, आते हैं पूरा दिन, भीड़ लगाई। मैं पहुँच गया हूँ नीचे की ओर, यहाँ से मुझे केबल कार मिलेगा और ऊपर भी एक छोटा सा राउंड अबाउट बना हुआ ये गाड़ियों के लिए, क्योंकि ये गाड़ी नीचे नहीं जाता है, ये गाड़ी ऊपर जो टेम्पल है उस टेम्पल पर ले करके जाता है। इस गाड़ी में बैठने के लिए सामने टिकट काउंटर है, 100 रुपया का यहाँ चार्ज है, ये करीब 75 या 80 मीटर है, 100 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दूर जाने पे। तो यहाँ से अब मैं केबल कार के लिए अंदर एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि बहुत हो गई एक्टिविटी, काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे एक्टिविटी किया और बहुत अच्छा रहा। ये सामने एंट्रेंस गेट है, यहाँ से हम एंट्री करके आगे की ओर चलेंगे। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। तो मैं अंदर आ चुका हूँ अपना टोकन को एंट्री करवा करके, और मैं केबल कार की वेट कर रहा हूँ, अभी आया नहीं है। एक ये छोटा सा केबल कार है ये सामान के लिए, जो सामान लेके ऊपर आते जाते हैं, और देखते हैं कि कितने टाइम में आता है। और बहुत अच्छा लगा और दिल खुश हो गया यहाँ आकर के, और यहाँ के जितने बंदे भी हैं ना बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा हेल्पफुल है। और ये पीछे आप लोग देख सकते हैं कि केबल कार भी आ रहा है, और इस केबल कार के अंदर वापसी रिटर्न में मैं अकेला हूँ, कोई भी नहीं है इसके अंदर। और क्योंकि आने में ज़्यादा भीड़ होता है और जाने में कोई ज़्यादा भीड़ नहीं होता, ये चलता रहता है, जिसको बैठना है एंट्री करो और फटाक से बैठ जाओ। कि जो इनकी सर्विस है ना, तकरीबन हर दो मिनट में एक ने यहाँ पे केबल कार आती है, जिसको बैठना बैठो और आगे के लिए रवाना हो जाओ। तो अब ये दरवाज़ा भी बंद हो रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं कि दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद होता है, बंद होने के बाद फिर ये आगे की ओर चलते हैं। तो फिलहाल दरवाज़ा बंद हो गया और पैक हो चुका है, अगर मैं हाथ बाहर निकालना भी चाहूँ तो हाथ मैं बाहर बिल्कुल ही नहीं निकाल सकता हूँ। ये काफ़ी स्पीड चल रही है, ऐसा लग रहा है थोड़ा मुझे डर, अभी थोड़ा अजीब सी फीलिंग होगी क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है ये। वाकई में ये जो एक्टिविटी ने बहुत अच्छी एक्टिविटी है, मज़ा आ गया। और आप लोग भी अगर आप घूमने आते हैं ना काठमांडू, तो इस जगह पर ज़रूर आए, पैसा वसूल है। और सुबह सुबह का टाइम है, और इसकी जो खुलने की टाइमिंग है ना, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक है। और जो लोग आना चाहते हैं वो 9, 9:30 बजे से पहले ना आए। इस टाइम अगर आप 9 बजे से पहले आते हैं तो बिल्कुल धुंध होता है, फॉग होता है, आप वीडियो शूट नहीं कर पाओगे, यहाँ कुछ भी मतलब दिखा नहीं पाओगे, तो इसलिए 9 बजे के बाद ही आए, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ का जो जितना भी था ना एक्टिविटी में कोशिश किया हूँ करने का, ये सब जहाँ तक कम्प्लीट हो ही गया। अब नीचे चलते हैं, नीचे चलने के बाद फिर प्लान बनाते हैं कि हमें किस पैलेस पर जाना है। इस केबल कार में जब हम बैठते हैं ना तो इसकी जो साउंड होती है ना बहुत ही ज़्यादा होता है, तकरीबन वहाँ से 200 या 300 मीटर आगे चलता है तो चलने के बाद ऐसा लगता है बिल्कुल ही साइलेंट हो गया, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है। हालांकि ये जो केबल कार चल रहा है इसके ऊपर कोई मोटर नहीं लगी है, और जो वायर है ये वायर के ऊपर चल रहा है बिल्कुल ही, क्योंकि वायर में फिक्स है, वो जो वायर है मोटर के ऊपर चल रहा है, नीचे खींच रहा है या ऊपर छोड़ रहा है, तो ये इस तरह से यहाँ इस तरह चल रहा है। और ये जितना ऊपर जाता है ना उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि इस केबल कार में मैं अकेला हूँ, जो ये केबल कार है यहाँ से डायरेक्ट नीचे की ओर लैंड कर रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है खड़ी चढ़ाई के जैसे कि ऊपर से कुछ नीचे गिर रहा हो। मुझे लगता है कि जिसको हार्ट अटैक है या कोई प्रॉब्लम है वो लोग अगर इस पर ना ही बैठे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि अब प्लेन से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि प्लेन तो डायरेक्ट एक बार उड़ता है फिर नीचे गिरता है तो उसमें थोड़ा कंट्रोलिंग होता है, ये बिल्कुल डायरेक्ट। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो शूट करता हूँ, जितना हो सकता है आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर करें, इससे मेरा हौसला बुलंद होता है। अभी चलते हैं, मैं पहुँचने वाला हूँ नीचे, उसके बाद नीचे उतर करके देखते हैं कि कैसे क्या है क्या नहीं है। तो फाइनली मेरा जो एक केबल कार है यहाँ पर लैंड हो चुका है, और मैं यहाँ नीचे उतर गया हूँ और बहुत अच्छा रहा, दिल खुश हो गया। अब नीचे की ओर चलते हैं और नीचे देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर फॉरनर ही आता है सभी कंट्री का, चाहे वो कहीं का भी हो, और नेपाल ना घूमो तो कुछ ना, क्योंकि बहुत से ऐसे मुझे फॉरनर मिले क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसे अंदाजा लग गया कि मैं ब्लॉगर हूँ, और बहुत से आदमी आए भी हैं, बहुत अच्छा लगा। अब मैं नीचे की ओर चलता हूँ। तो फाइनली यहाँ से मैं बाहर निकल चुका हूँ,
बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी एक्टिविटी रही। और सुबह सुबह का टाइम था, ज़्यादा भीड़ भी नहीं था। और अभी के टाइम में आया हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। यह हम लोग देख रहे हैं कि पीछे कितना ज़्यादा भीड़ है। और सुबह थोड़ा बहुत क्लियर भी दिख रहा था यहाँ से माउंट। और अभी के डेट में क्या कि बादल की वजह से थोड़ा पीछे जो आप देख रहे हैं कि धुंधला टाइप में दिख रहा है, ये बादल की वजह से दिख रहा है क्योंकि उतनी क्लियरिटी नहीं है। तो अब मैं थोड़ा और किनारे में चलने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ एक सेल्फी पैलेस है, वहाँ भी चलते हैं। वहाँ से क्या है कि नीचे का व्यू थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता है और बहुत अच्छा लगता है नीचे का व्यू। और ये फुहारा भी है नीचे, हालांकि यहाँ बैठ नहीं सकते हैं फुहारे पे, और नीचे उतर करके इस फुहारे को देख सकते हैं बस। इसे इधर सेल्फी लेना ले सकते हैं, इनका कोई चार्ज नहीं होता, ये बिल्कुल फ्री है। और यहाँ से अगर हम देखते हैं नीचे की ओर तो बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखता है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना क्लियर दिख रहा है, ऊपर से उतना ज़्यादा साफ दिख भी नहीं रहा था। दोस्तों, चंद्रगिरी हिल का जितनी भी एक्टिविटी थी मैं आप लोगों को दिखाया हूँ और यहाँ की टूर कराया हूँ नीचे से लेकर ऊपर तक, और बहुत अच्छा रहा। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को आप लोग दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इससे क्या है कि मेरा हौसला बुलंद होता है, बहुत खुशी मिलती है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।